हेलो दोस्तों, आज महाराष्ट्र में बहुत ही सूखा गिरने की कगार पर है। देख, हम आपको आज दिखाना चाहेंगे कि हमने किस कदर मक्के की फसल को बचाने की कोशिश की है। चलो तो आइए, आज हम आज को आपको मक्के की हमारी फसल दिखा दें। यहाँ पर हमने एक बैंड बिठाया है और इस बैंड को बोरिंग से पानी आता है, तो हमने यहाँ पे किया ऐसा ही जुगाड़ है कि हमने यहाँ पे एक वाल बिठाया है। जब हम मोटर चालू करते हैं तो हम इस वाल को इस तरह से बंद कर देते हैं। इसको बंद करने के बाद ये पूरी पाइपलाइन यहाँ से 300 फुट तक भर जाती है, और भरने के बाद हम इसको ऐसा चालू कर छोड़ देते हैं। ऐसा करके छोड़ दिया तो पानी ज़्यादा प्रेशर से आने लगता है। इस तरह से हम अपनी फसल को कम पानी में भी बचा सकते हैं। इस जुगाड़ में होता ये है कि अगर पानी कम भी रहा तो पाइपलाइन पूरी भरने के कारण, 300 फीट की पाइपलाइन भरने के कारण आप इसको एक साथ छोड़ देते हैं तो पानी इस पाइप से फुल प्रेशर से आने लगता है। जब पानी प्रेशर से आने लगता है, जो ज़मीन में पानी ज़्यादा चला जाता है कम पानी के कारण, वो ज़्यादा बोले तो ज़मीन में गिर जाता है, जमा हो जाता है एक जगह पे, तो वो एक जगह पे जमा ना होके आगे तक चला जाता है। ऐसे इस नाली से आगे तक चला जाता है। और ये जो नाली है, हमने वो साइकिल से बना है। वो साइकिल की एक पहिए वाली साइकिल को अपना जुगाड़ बना के वो बनाई है। और हम आपको अब बोरिंग दिखाएंगे, जो 300 फीट की बोरिंग ली है, जिसको 1 इंच तक पानी है। तो देखिए, इस जगह पे हमने बोरिंग लिया हुआ है, लेकिन इसको 1 ही इंच पानी है। अगर हम 1 इंच में पानी को सीधा भरने के लिए, हम 1 इंच के पानी को अगर सीधा हम खेत में छोड़ेंगे तो पानी से सब फसल नहीं भरी जा सकती। तो इसके लिए हमने ये जुगाड़ किया है कि हमने इस वाल को घुमा के 300 फीट पाइप लाइन भर के एक साथ छोड़ने पर पानी आगे तक चला जाता है। अब मैं आपको उस फसल के बाद वो फसल दिखाऊंगा जिसको
पानी होने के बाद भी ऐसा जुगाड़ ना करने की वजह से जो सूख रही है। देखिए इस तरह से दोनों में इतना डिफरेंस है कि कम पानी में भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये कपास की खेती है, बारिश ना होने के कारण कपास की खेती का भी बुरा हाल है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल ही महाराष्ट्र में किसान का फिलहाल तो बुरा हाल चल रहा है। हम आपको बादल भी दिखाने की कोशिश करेंगे, बादल तो निकलते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। बारिश हुई तो बहुत अच्छी बात होगी, जो किसान भाई है हमारे उनके लिए वो लाभकारक होगी। और ये हम उस मक्का के खेत में आए हैं जहाँ पे हमने पानी भरा हुआ है जुगाड़ करके। देखिए फर्क आपको पता चल जाएगा, फिलहाल तो मोटर चल नहीं है जिसकी वजह से आपको हम पानी दिखा नहीं सकते किस तरह से पानी ज़्यादा आता है प्रेशर में पाइपलाइन भरने के बाद। लेकिन हमने जो पानी भरा था पहले लाइट होने के टाइम पे वो हम आपको अभी दिखा दें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने मत भूलें। थैंक यू।